बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? इसी उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। टाइम जो है ना वो 5 बज चुके हैं और मैं जी बना रही हूँ आज आलू गोभी। गोभी जो है ना मैंने यहाँ पे बना लिए और यहाँ पे आलू जो है ना माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा लाल सुरख, ये मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं माशाल्लाह से जी। एक पौधे ने फूल जो है ना देखे कितना प्यारा निकाल दिया, एक जो है ना वो तो निकल गया, दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा रह गया, बाकी जो है ना सारे वैसे के वैसे ही हैं, मतलब उन्होंने अभी तक फूल नहीं निकाला। और वो जो है ना उसके साथ वाला वो भी माशाल्लाह उसका कलर बहुत प्यारा है, गहरा जामुन कलर है ये वाला। अब देखें शरीर के जो पत्ते हैं ना वो सारे झड़ गए हैं, चन रह गए हैं सिर्फ, वो भी जैसे हवा चलेगी सारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आजकल इनके पत्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें अब्दुल्ला दी, अब्दुल्ला आप थक गए हो? आप थक गए हो सच्ची? बस अब्दुल्ला थक गया जी, अब्दुल्ला दी की बारी। अब्दुल्ला दी अब आप नहीं झूले लेने, ऊपर खड़े हो जाओ, बाय बाय कर दो हम सबको ना, ऐसे बाय बाय कर दो, बाय बाय, आप भी बाय बाय कर दो। बस जी उन्होंने बाय बाय नहीं करनी और खेलने में लग गए, बस पहले आपने गाड़ी ली थी अभी रहने दो, अभी भाई ले रहा बस। अब्दुल्ला दी, अब्दुल्ला दी भाई को झूले दो, नहीं बैठना नहीं झूला नहीं लेने, बस गाड़ी को झूले हमने देने हैं। अच्छा, गाड़ी को चल अब्दुल्ला आप ऊपर बैठ जाओ, चलो आप बैठ जाओ, आप बैठ लीजिए। माशाल्लाह दिन ब दिन जो है ना फूल इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है जब ऐसे नज़र पड़ती है ना सामने, तो दिल जो है ना खुश हो जाता है। और ये तो माशाल्लाह हमारे बिल्कुल नज़दीक है, माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान देखे कितने प्यारे उसने फूल बनाए हैं माशाल्लाह, ये देखे कितना नज़दीक है ये। तो अभी जी बच्चों को देते हैं चीज़, अब्दुल्ला आपने कौन सा लेना है? ये वाला, ये लो आपका, ये खोल दो आपको। अभी बच्चों को चीज़ देते हैं और बेगम साहब जो ना वो काम कर रही हैं हांडी रोटी का, और मैंने सोचा अभी बेगम साहब मुझे कह रही थी कि मेरा काम एक रहता है मतलब करने वाला रहता है, तो मैंने कभी आप करें वो काम और मैं जो ना आपका जो काम रहता है ना वो कर देता हूँ। बेगम साहब ने कपड़े धोए थे, जो कपड़े हमारे रह गए थे ना वो बेगम साहब ने धोए थे और वो स्पिन करने थे, तो मैंने कभी वो मैं काम कर देता हूँ, आप जो ना हांडी रोटी कर लें, आपको लेट ना हो जाए, लेट हो जाए तो फिर वीडियो भी नहीं बनती और काम भी नहीं ख़त्म होते। तो बच्चों को चीज़ खोल कर देते हैं और उसके बाद जो ना बाकी काम करते हैं। ये देखें जी ये वाली चीज़ बनी होती है, ये लो। तो अभी जी सबसे पहले जो है ना निकालते हैं मशीन, स्पिनर मशीन जो है ना वो निकालते हैं और कपड़े डालते हैं। अभी तक इसके ऊपर जो कागज वगैरह लगे हुए ना, जो प्लास्टिक लगे हुए हमने उतारे नहीं है, ताकि ये वाइट है ना तो मतलब कि दाग दबे जो इसके ऊपर ना लगे, ख़राब जो है ना वो ना हो, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ है तो हम नहीं चाहते कि जल्दी ख़राब हो ये। हाँ जी यहाँ पे लगाऊंगा, तो लगा उतनी नहीं मेरे पास शायद जो ना वो तार ना हो, नहीं वो एक बार एक से लेके आई थी। अच्छा वहाँ पे लगा दे, चले जी पहले हमने यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं तो फिसलेंगे फिर यहाँ। तो पहले पिछली दफा हमने जब चेक की थी यहाँ पे लगाई थी,
लेकिन आज वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमारी पार्क है ना, घास लगा हुआ वहाँ पे लगाते हैं। कुछ निकाल रहा बाहर अब्दुल आदि अपने बैठने के लिए कुर्सी निकाल रहा बाहर, चले बैठ दें कुर्सी को खींचने के लिए। इसका ये फायदा देखे, ऐसे बंदा इसलिए जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मशीन मैंने यहाँ पे रख ली ताकि पानी जो है ना वो इधर चला जाए, और ये लीड मुझे मिली है ये मैंने लगा ली है, और अभी आसानी से हम जो ना पानी बाहर निकाल देंगे। पिछली दफ़ा यहाँ पे पानी निकाला था और सारी एरिया जो ना गीला हो गया, और आज आपके भाई ने ये पगड़ी बांधी हुई है, ये आप लोगों को कैसे लगे थोड़ी सी न्यू लुक जो ना मैंने बनाई है। बेगम साहब आपको पसंद नहीं बिल्कुल भी, वो कहती ये उतार दे, ये मैं तकरीबन दो आज दूसरा दिन है मैं लेके आया हूँ, वो कहती नहीं अभी उतारे, लेकिन मुझे सारा दिन हो गया मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने बताना है कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, कभी जल्दी से काम करते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और लेट हो जाएगी। अब दादी कपड़े डालें, तो अभी जी कपड़े डालते हैं ऐसे। हाँ जी अंदर सुनी, कितने को कपड़े डालते मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन अंदाजे से जना कपड़े डाल देते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, सब के कपड़े जना ऐसे करके डाल देते हैं जी। अब्दुल आदी आप भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हो, ये देखें जी, और अपनी वाइफ के साथ जो ना सब भाई जो ना वो काम करवाया करे, ये सुन्नत भी है और इसका सवाब भी मिलता है। पापा, गिर गई है गिर के नीचे, नीचे रख दे एक-एक करके डालना है। कितने को कपड़े डालने मुझे ये भी बता दे। हाँ एक मिनट रखो अपने पास, इतने को डाल देते हैं ऐसे, अगले बार कर दो ऐसे नीचे किया, अभी इसका लगाते हैं टाइमर और चला देते हैं, और इस साइड से अभी इसका निकलेगा पानी, ये देखो जब तक मशीन का टाइम पूरा नहीं होता हम इस साइड पे जो काम हो रहा है ना ये आप लोगों को दिखा देते हैं जी। काफ़ी दिन के बाद जो ना हमने हांडी रोटी दिखाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बोर ना हो। काफ़ी बहन भाई कमेंट्स करते हैं कि हाँ हम हांडी रोटी देख 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 के ना थक गए, बोर हो चुके हैं, अभी हांडी रोटी के बस करें। तो अभी हमने ऐसे ही होता है ना कि कभी हम हांडी रोटी ना दिखाएं तो फिर मेरी काफी बहनें कहती हैं भी आपने हांडी रोटी नहीं दिखाई हम तो बोर हो गए। जब हम हांडी रोटी दिखाते हैं तब वो फिर जो है ना मेरी बहन कुछ मेरी बहनें और भाई कहते हैं कि नहीं आप हांडी रोटी ना दिखाया करें, हम हांडी रोटी देख देख के बोर हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर हम भी थोड़ा जो है ना वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम व्लॉग भाई कौन सा बनाए, हांडी रोटी का फिर बोर हो जाते हैं, वैसे बनाए तो फिर बोर हो जाते हैं। अभी क्या लेकिन जो हमारी रूटीन होती है ना कहाँ तक पहुँचा है वही बनाना होता है। ये जी मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज और लाल टमाटर वो डाल दिए हैं, चलो सही हो गया। अभी जी टाइम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, ये देखें ऑटोमेटिक ऑफ होने वाला है बस, अभी बाहर निकालते हैं, पानी जो है ना वो सारा निकल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े देखें खुशक हो गया, मतलब खुश हो गया ना। हाँ जी पापा आपके नीचे पड़े हुए कपड़े। तो अभी जी दूसरे कपड़े जो बच गया ना बता दी ऊपर उठाओ, जो बच गए वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये वाली कैप जो है ना ये मेरी जैकेट की कैप है, उठाओ अभी, फिर टाइम जो है ना वो लगा देते हैं और चला देते हैं।
माशाल्लाह सब्जी बनी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ये देखें सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और हरी मिर्च जो है ये मैंने भुन में डाल दी है। जायका जो है ना इसका अच्छा होता है। और अभी आलू को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अभी शाम हो चुकी है और वो सामने हमारे गांव में ना लाइटें जो है ना वो चल रही हैं। ये देखें गांव का कुछ शाम का कुछ इस तरह का मंजर है। ये देखें माशाल्लाह जी सालन जी खाना वो तैयार हो चुका है। और अभी इसमें मेथी और धनिया का दस्तर मैंने डाल दी है। अब्दुल हादी आपने खा ली रोटी? और यहाँ पे अब्दुल्ला जो ना ये खा रहा है और रोल बना के हमने दिया इनको। ये देखें और रोटी जो ना वो अभी बनाई जा रही है। सबसे पहले मैंने ये घी वाली रोटियाँ बनाई हैं। अब क्या हुआ? बस तो अभी यहाँ पे जो ना रोटी मेरे लिए बनाई जा रही है, बच्चों ने तो खा ली है। अब्दुल हादी ने माशाल्लाह से जी पेट भर के रोटी खा ली है और अब्दुल्ला बड़ा लेजी है, बड़ा ही ढीला है। अभी अब्दुल्ला खा रहा है। हाँ जी वेलकम बैक। टाइम जो है ना वो 3 बज चुके हैं और कल का व्लॉग हमारा अब मतलब एंड होने जा रहा है। कल जब मैं रोटियां बना रही थी तो फिर लाइट चली गई, उसके बाद हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। और सुबह से शहजाद साहब गए हुए थे जी लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। मौसम जो है ना वो कल का बारिश का बना हुआ, इतने गहरे बादल और आज धूप भी नहीं निकली। मौसम जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आ जाएगी। अभी हम जो है ना माँ बेटा रख रहे हैं जी रूम में लकड़ी। यहाँ पे जो है ना ये जो 2-4 पहियाँ मैंने जोड़ी हुई है ना, इसके नीचे जो हम लकड़ी जोड़ के रख रहे हैं यहाँ पे। और ये लकड़ी जो है ना ये अब्दुल्ला और अब्दुलादी लेके आ रहे हैं, इस रूम में रख रहे हैं। यहाँ पे किचन के साथ जो है ना शहजाद साहब ने लकड़ी रख दी है क्योंकि रिक्शा आया था और रिक्शा जो है ना यहाँ पर फिर लकड़ी रख गया। अभी अब्दुलहादी अब्दुल्ला जो है ना वो लकड़ी अंदर लेके जा रहे हैं। नहीं खींची जा रही, खींचो उठाओ एक लकड़ी मामा। अपने जितनी उठानी है मामा, दो ले जाना। आपने दो लेके जानी है। अब्दुल्ला से तो एक भी नहीं उठाई जा रही। जो आप जितनी है ना वो उठाओ, ये लेके जाओ। चलो भाई अंदर ले भी जाएं। सारा दिन इतने ज्यादा गहरे बादल बन रहे हैं। अभी सेकंड डे हो चुका है जी और सूरज ने अब जाके शक्ल दिखाई है। देखें जी ग़ुरूब होने लगा है और सुबह के अब जाके हमने शक्ल देखी है। और लकड़ी जो है ना इधर ही रख रहे हैं। अब जो है ना वो धूप निकलती है तो माशाल्लाह से जी सूरजमुखी ने फूल निकालने भी शुरू कर दिए हैं। ये देखें और ये वाला भी फूल निकला हुआ है माशाल्लाह। जो दूसरा सूरजमुखी था माशाल्लाह इसने भी फूल निकालना शुरू कर दिया। ये देखें जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी ये फूल निकलते जाएंगे सारे।
चलें जी आ जाओ बिलाल, आप भी। बिलाल जो है ना वो अभी ही स्कूल से आया है, ज्यादा हिलाओ ना कैमरे को। तो अभी लकड़ी रखते हैं जी, सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन अब जाके सूरज जो है ना अपनी शक्ल सूरज ने दिखाई है। ऊपर खड़े होके मनाओ, खड़े होके। अब्दुल्ला आप ये ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसे बाय बाय करो। अब्दुल्ला से बात कर रही हूँ, अब्दुल्ला हादी ने कैमरा अब्दुल्ला की तरफ कर रहा है। ये उंगली ना आने दो, उंगली नीचे करो, हाथ नीचे करो।